सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय, माय नेम इज सौरभ। तकरीबन एक महीने पहले मेरा एक कान से मेरे को सुनाई देना बंद हो गया। अचानक रात को एक कान से मेरे को ऐसा लगा कि कान ब्लॉक हो गया, और सुबह उठ के भी वो ठीक नहीं हुआ। तो मैंने अपॉइंटमेंट लिया एक ENT स्पेशलिस्ट से। तो वहाँ पे जाने के बाद मुझे उन्होंने बोला कि ये सेंसोन्यूरल हेयर लॉस है, हेयरिंग लॉस है, और इसका इसकी मेडिसिंस उन्होंने 4-5 मेडिसिंस प्रिस्क्राइब करी। और इसमें एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है, स्टेरॉइड्स देना पड़ता है हेयरिंग लॉस में, तो उन्होंने वो भी दिया मेरे को। तो 4-5 दिन वो दवाइयाँ लेने के बाद भी मेरे को कुछ भी फ़र्क नहीं महसूस हुआ। फिर मेरे एक रिलेटिव ने मेरे को बताया डॉक्टर मनीष प्रकाश के बारे में, जो मायोम हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, ENT स्पेशलिस्ट हैं। तो उनसे मैंने कंसल्ट करने के लिए अपॉइंटमेंट लिया। डॉक्टर मनीष प्रकाश से अपॉइंटमेंट लेने के बाद जब मैं उनसे फर्स्ट जो मेरा अपॉइंटमेंट था उसमें उन्होंने मेरे को अच्छी तरह से समझाया कि ये किस वजह से हो सकता है। बहुत ही लाउड म्यूज़िक अगर आप सुनते हो, या फिर अच्छे से एक्सप्लेन किया, और एक्सप्लेन करने के बाद बताया कि इसके क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इसका क्या हो सकता है। और फिर उन्होंने मेरे को बताया इंट्रा टिम्पैनिक इंजेक्शन, जो कि आपके कान के थ्रू जो आपकी ऑडिटरी नर्व होती है उसके वहाँ पे वो स्टेरॉइड का इंजेक्शन वहाँ पे डिपॉजिट करते हैं। फर्स्ट इंजेक्शन ही मेरा पहली अपॉइंटमेंट में ही मेरा फर्स्ट इंजेक्शन मेरे को OPD में ले जाके और दिया गया। और तकरीबन इंजेक्शन के 2 दिन के बाद मेरे को कुछ ऑलमोस्ट 50% मेरा हेयरिंग वापस आ गया उस कान से। उसके बाद 5 दिन के बाद मेरे को दूसरा इंजेक्शन लगा, फिर से वही इंट्रा टिम्पैनिक, और ऑडियोमेट्री टेस्ट मेरे होते रहे। 5 ऑडियोमेट्री टेस्ट हुए और हर टेस्ट के अंदर मेरे को इम्प्रूव, और फिर मेरे को 5-5 दिन के गैप में और टोटल 3 इंट्रा टिम्पैनिक इंजेक्शन लगे। उसके बाद थर्ड के बाद जो फोर्थ इंजेक्शन लगना था उससे पहले डॉक्टर मनीष प्रकाश ने बोला कि एक ऑडियोमेट्री टेस्ट और कराओ, फाइनल देखते हैं और कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो फोर्थ इंट्रा टिम्पैनिक इंजेक्शन के पहले जो ऑडियोमेट्री टेस्ट मैंने कराया उसमें दोनों ही कानों का हियरिंग एकदम बराबर, एकदम सही आया। तो दोनों कानों से मेरे को नॉर्मल सुनाई देने लग गया, और उसके बाद फोर्थ इंजेक्शन मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और बहुत ही अच्छे से मेरा वो हो गया, और बहुत ही अच्छी तरह से मेरा ट्रीटमेंट हो गया, और नाउ आई एम बैक टू नॉर्मल फॉर द ट्रीटमेंट, फॉर द वे ही टुक माई केस, एंड वेरी थैंकफुल टू माई होम हॉस्पिटल एंड डॉक्टर मनीष प्रकाश।